अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सुलेमान्स किचन। मैं हूं आपका होस्ट सुलेमान। आज की हमारी रेसिपी ईद उल अज़हा स्पेशल बकरीद स्पेशल है, गाजर का हलवा वाली रेसिपी है। गाजर का हलवा जो है सारे इंडिया में जो है बहुत ही फेमस है, लेकिन सबके बनाने के अपने अपने तरीके हैं। आप जितना भी इसको बनाएं या खाएं, आपका मन बिल्कुल नहीं भरता है, तो हर एक के अपने अपने तरीके हैं। आज हम इसको बनाएंगे बैंगलोर स्टाइल में अपने तरीके से, उम्मीद करूँगा आपको पसंद आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले जो है मैंने और भी बहुत से सारे जो है स्वीट रेसिपीज़ यानी कि डिज़र्ट वाली वीडियोस जो है मैंने डाली हुई हैं। आप ऊपर आई बटन क्लिक करके उन वीडियोस को भी देखें और जो आपको पसंद आए आप उसको अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो है आप प्लीज़ अब जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएँ ताकि आप नोटिफिकेशन पाएँ अगली वीडियोज़ के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम लेंगे गाजर। गाजर जो है ताज़े गाजर मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। इनको धो करके अच्छे से साफ़ करके इस तरीके से जो है मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है 2 kg गाजर को। अब जो है हम लेंगे एक पतीला या फिर आप कोई कढ़ाई ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, नॉन स्टिक ली है। इसमें 1 लीटर फुल फैट जो है दूध हम ऐड करेंगे और अच्छे से बॉयल करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही एक बॉयल आता है दूध में, यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं दूध एक बॉयल आ चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे गाजर। सारे जो 2 kg गाजर ग्रेट करके हमने जो है कद्दूकस करके जो है रखे थे उसको हम इसके अंदर ऐड करते हैं। जैसे आप ऐड करोगे तो इस तरीके से कुछ लगने लगेगा, दूध सारा छुप जाएगा, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। जैसे गाजर गलने लगेंगे तो ये अंदर उतरते जाएंगे और दूध ऊपर आता जाएगा। तो लीजिए अच्छे से मैंने इसको एक बार मिक्स कर दिया इस तरीके से, हल्के से आप दूध को ऊपर देख सकते हो। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है अब इसको ढक देते हैं और 30 से 35 मिनट तक जो है हम इसको जो है पकाएंगे। पहले तो 10 मिनट हाई फ्लेम पे और फिर इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो पहले जो है 10 मिनट गुजरे हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं दूध उबल करके जो है ऊपर आने लगा है। इसको जो है अब अच्छे से एक बार जो है मिक्स करेंगे। आप मिक्स करते हुए देख सकते हैं कि गाजर जो है हल्के से जो है नरम हो चुके हैं। अब फिर से इसको ढक देते हैं मिक्स करने के बाद और फ्लेम को मीडियम पे डालते हैं और इसको जो है और 30 मिनट के लिए जो है पकाते हैं। मीनवाइल जो है मैंने यहाँ पर लिया हुआ है खोया। खोया जो है मैंने यहाँ पर 800 ग्राम लिया हुआ है, फीका खोया है। इसको जो है इस तरीके से मैंने जो है तोड़ लिया है। और चीनी जो है मैंने ली है यानी कि शक्कर मैंने ली है तकरीबन 1.5 कप यानी कि 400 ग्राम। अब जो है तकरीबन 35 से 40 मिनट गुजरे हैं, बीच में 10-10 मिनट में मैं इसको ओपन करते हुए जो है चलाता रहा हूँ ताकि चिपके नहीं नीचे से। आप देख सकते हैं कि दूध सारा जो है खुश्क हो चुका है, ड्राई हो चुका है और गाजर भी तकरीबन 90% जो है गल चुके हैं। चीनी इससे पहले ना डालें वरना जो है गाजर जो है बिल्कुल नहीं गलेंगे। तो लीजिए 400 ग्राम चीनी मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब इसको जो है अच्छे से मिक्स करते हैं। यहाँ पर दूध सारा जो है ड्राई हो चुका था, चीनी अब जैसे ही आप डालेंगे तो चीनी जो है जैसे पिघलेगी तो पानी जो है यानी कि जो है गाजर के अंदर जो है पानी आना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो बेसिकली चीनी गली हुई है। तो इसको भी जो है ड्राई करेंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट इसमें भी लगे हैं हाई फ्लेम पर जो है मुझे इसको पकाते हुए ओपन रख करके। आप देख सकते हैं गाजर एकदम जो है खुला खुला हो गया है, अच्छे से गल गया है गाजर आप देख सकते हैं, और इसका कलर भी जो है बहुत ही अच्छा आया है। तो अच्छे से जो है अब हम इसमें एक पिंच यानी कि एक चुटकी नमक डालेंगे ताकि स्वाद जो है बैलेंस होता जाए। अब जब नमक डाल करके मिक्स कर लिया है तो अब इसके अंदर जाएगा खोया। खोया यहाँ पर 800 ग्राम जो है मैं डाल रहा हूँ। अच्छे से इसको जो है मिक्स करते हैं। मिक्स करते ही जो है खोया आपको दिखना लगेगा, जैसे ही पकेगा तो दिखना कम हो जाएगा यानी कि पिघल जाएगा खोया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैंने इसको मिक्स किया है और 10 मिनट के लिए जो है इसको हम पकाएंगे। तो लीजिए और 10 मिनट मैंने इसको जो है पकाया हुआ है। खोया जो है अच्छे से मिक्स हो चुका है और आप जैसे देख सकते हैं अच्छे से जो है हमारा डेजर्ट स्टिकी फॉर्म में जो है बन करके हलवा जो है जिसे कहते हैं हलवा जैसे जो है ये बन गया है, बहुत ही अच्छे से बन गया है। अब इसमें है शानदार सा जो है ड्राई फ्रूट वाला तड़का देना बाकी। तो लीजिए अभी मैंने यहाँ पर एक पैन लिया हुआ है जिसमें हम ऐड करेंगे घी। घी यहाँ पर मैं 5 टीस्पून जो है भर के ऐड कर रहा हूँ। अब ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो लेकिन कम ना करें, कम से कम 5 टीस्पून घी जो है इसमें ज़रूर डलेगा।
तो जी लीजिए, घी जो है पिघल गया है। हल्की सी एक इलायची हम इसमें डालेंगे फ्रेग्रेंस के लिए, और फिर इसमें जा रही है किशमिश यानी कि मुनक्का जिसको कहते हैं। अच्छे से इसको सौते करेंगे हल्के से पैन को जो है हिलाते हुए, और फिर इसके अंदर जाएगा कटा हुआ, बारीक कटा हुआ काजू और बारीक कटा हुआ बादाम। अब ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी जो है ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके की कितनी चाहें, लेकिन जो है इतनी कम से कम जो है डालें, और भर के जो है आप चाहो तो इसको डाल सकते हो ज़बरदस्त से जो है। जितना ड्राई फ्रूट ज़्यादा रहेगा खाने में उतना ज़रूर मज़ा आएगा। एक दो मिनट के लिए जो है अब हम इसको जो है फ्राई करेंगे हमारे घी के अंदर भुनेंगे, और फिर जो है गरम गरम जो घी के साथ है उसको अब हम अपने मीठे में डाल देंगे इस तरीके से जैसे तड़का लगाते हैं। तो लीजिए घी के अंदर मैंने इस तड़के को डाल दिया है ड्राई फ्रूट वाले। अब जो है इसको अच्छे से जो है मिक्स करेंगे एक बार। मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पर ही जो है इसको और 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ईजी प्रोसीजर है, कम जो है स्टेप्स हैं इसमें, तकरीबन 4 या 5 स्टेप के अंदर जो है आपका गाजर का हलवा बन जाएगा, लेकिन जो गलने का समय है वो ज़्यादा है। तो लीजिए अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट पकाने के बाद अब मैं इसको जो है डिश आउट करने लगा हूँ। ज़बरदस्त से एवरग्रीन जो है गाजर का हलवा जो कि हर ही घर में जो है बनता है, लेकिन जितना भी आप खाएं इसको आप मन नहीं भरता है। तो लीजिए यहाँ पर मैं जो चांदी का वर्क है उसको लगा रहा हूँ, जिससे जो है इसकी खूबसूरती में क्या कहते हैं और 4 चांद लग जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है हमारा गाजर का हलवा बन करके तैयार हुआ है। उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर पसंद आया है। अगर पसंद आया तो आप इस ईद पे जो है अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, और जो है अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। थोड़ा सा जो है इसको और गार्निश करते हैं कटे हुए बादाम और फिर जो है किशमिश के साथ अच्छे से इसको गार्निश करें। फुल लोडेड ड्राई फ्रूट वाला जो है आप इसे गाजर का हलवा जो है बनाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा ये बन करके तैयार हुआ है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया है। इसी तरीके के और जो है स्वीट रेसिपीज़ आप जो है यहाँ पर जो है क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली बार के लिए, तब तक के लिए अपने घर में बनाना ना भूलें। आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक।